Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. Today I am going to make a very important announcement because Haryana Public Service Commission jo hai, unhone HCS ki notification nikal ke ye bahut hi kamal ka kaam kar diya hai. Matlab main kya bataun, they are in such a haste, itni jaldbazi mein कि जिस दिन इंटरव्यू 5 तारीख को खत्म हुआ, 5 तारीख को इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया, फिर कुछ दिन बाद पोस्ट एलोकेशन कर दी, फिर अगले दिन अब एचसीएस का नोटिफिकेशन निकाल दिया. मतलब दे आर डूइंग अ वेरी फैबुलस जॉब. हरियाणा सिविल सर्विसेज जो भी जितनी डिले हो रही थी 2021 के पेपर्स के बाद, कुछ जो मेलाफाइट्स हुए थे, उन सब चीज़ों को आई थिंक हरियाणा सर्विस कमीशन सब चीजों को कवर अप करके वो पेज पे आना चाहते हैं और जो भी बैकलॉग्स है वो बहुत ही जल्दी से जल्दी वो फिल कर देना चाहते हैं. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हरियाणा सिविल सर्विसेज ने अपनी एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच प्लस दी अदर अलाइड सर्विसेज की एग्जामिनेशन 2022 की जो नोटिफिकेशन थी, जो डिलेज हो रही थी, वो आज उन्होंने रिलीज कर दी और बहुत ही हेस्ट के अंदर. दैट इज फैबुलस. तो क्या नोटिफिकेशन के अंदर है ये देखते हैं. सबसे पहली बात कि नोटिफिकेशन 16 फरवरी से स्टार्ट होगी. ओपनिंग डेट इज 16 फरवरी एंड द क्लोजिंग डेट इज 12 मार्च. मतलब एक महीने से ज़्यादा, समवेयर अराउंड वन मंथ आपको 27-28 दिन मिल रहे हैं नोटिफिकेशन को फिल करने के लिए. ठीक है, तो बहुत लंबा समय भी दिया है. एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो आपको मालूम है क्या है नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है. जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करें. डाउनलोड करने के बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उनमें कोई चेंजेस एज सच नहीं है. जो पुरानी नोटिफिकेशन थी 2021 में उसे कंटिन्यू किया गया है. एज सच देर इज नो मेजर चेंज. ठीक है, पोस्ट की अगर बात करें, लास्ट टाइम इन्होंने 2021 की जो नोटिफिकेशन है वो 155 सीट्स की है. इस बार जो नोटिफिकेशन है दैट इज 95 सीट्स. ठीक है, 95 सीट्स की नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली है. मतलब व्हाट टू डू, क्या बताऊं मैं. अभिमन्यु आईएस जस्ट नाउ अभी रिजल्ट आई है 2 दिन पहले. अभिमन्यु आईएस हैज अगेन स्वेप्ट वंस अगेन एंड इट हैज मेंटेन हिज लेगेसी विथ मोर देन 40+ रिजल्ट्स. और रिजल्ट्स अभी भी हमारे पास आ ही रहे हैं कि हाँ ये हमारे स्टूडेंट्स, तो 40+ रिजल्ट्स ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी गिवन टू द कमीशन एंड टू द स्टेट ऑफ हरियाणा. तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज एस्पायरेंट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एग्जीक्यूटिव पोस्ट एंड द हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस. और कंग्रेचुलेशंस टू अभिमन्यु फैमिली एंड टीम ऑल्सो फॉर द ट्रिमेंडस ब्लड एंड टॉयल स्पेंट बिहाइंड नर्चरिंग दोज एस्पायरेंट्स. ठीक है, तो 40 से ज्यादा सिलेक्शंस, वो 155 सीट्स में अगर आप देखेंगे तो मोर देन 30% सीट जो है वो अभिमन्यु आईएएस के रिजल्ट्स है. अब इस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं. यहां पे अगर हम बात करें तो आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट पे जाएं, जाके वहां पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन क्या है. टोटल जो सीट्स हैं यहां पे अगर आप देखें, रिक्रूटमेंट टू 95 पोस्ट ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विसेज, 95 सीट्स, ये ध्यान पे रखना है 95. पहले जो सीट थी जो 2021 की थी वो 155 की थी, 2022 में 95 सीट्स की आ गई हैं. अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया, फिर 2022 की नोटिफिकेशन अभी आ गई. मतलब फैबुलस हरियाणा सिविल सर्विसेज कमीशन. चलिए, एज आई टोल्ड यू कि एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं है और जो नोटिफिकेशन 2021 में थी वही कंटिन्यू कर रही है. ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ है, नहीं हुआ, कुछ नहीं है ऐसा सच. अब ये हम बाइफर्केशन देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच की कितनी सीटें हैं. अगर आप देख रहे हो तो जनरल के लिए 7 सीटें हैं. ठीक है, एससी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, टोटल 10 सीटें हैं. एग्जीक्यूटिव ब्रांच मतलब एसडीएम की पोस्ट के लिए डीएसपी की पोस्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो टोटल यहां पे 6 है, 3 अनरिजर्वड है और 3 रिजर्वड है. ईटीओ के लिए 4 सीटें, डीएफएससी 2 सीटें, 1 क्लास तहसीलदार 4 सीटें. तो ये आपकी जो बाइफर्केशन है, क्लासिफिकेशन है पोस्टों की, वो भी उन्होंने मेंशन कर दी है कि किस पोस्ट पे कितने लोगों की सिलेक्शन उन्होंने करनी है. ठीक है, तो हरियाणा ने ये सारा सब कुछ, ये सारा नोटिफिकेशन 2022 के लिए निकाल दिया है. और बहुत ही जल्द आपको मैं फिर से बता दूं, डेट ध्यान रखना है, मिस नहीं करना है, 16 फरवरी टू 12 मार्च, लगभग एक महीने का समय आपके पास.
तो इस समय में आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को भरें, और जो लोग ऑलरेडी हमारे पास हमारे मॉर्निंग और इवनिंग बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड है, उन लोगों के हम पहले ही बता रहे थे, बार बार रिपीटेडली बता रहे थे कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन एनी टाइम दी नोटिफिकेशन इज गोइंग टू नॉक योर डोर्स। और ये ऐसा हो गया। अभिमन्यु जो भी इंफॉर्मेशन देता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड, वो हमेशा सीरियस होता है। वी डू नॉट प्ले फूल आउट विद द स्टूडेंट्स। तो हम हमेशा एक आपको बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। और हम रिपीटेडली आपको बोल रहे थे कि HCS और PCS की नोटिफिकेशन आने वाली है, और HCS की नोटिफिकेशन आ गई, अब PCS की अबाउट टू, ठीक है। तो हमारी मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच, ये दोनों स्टार्ट हमने कर रखी है ऑलरेडी। और इवनिंग बैच हमने वर्किंग प्रोफेशनल जो है उनके लिए, उनके डिमांड पे हमने कर रखी है कि 7 से 9:30 लेट इवनिंग बैच चलता है, कि आप आराम से अपनी ऑफिस पे जाएं और 7 से 12:30 हमारे साथ जुड़े रहें, 7 से 12:30 डेली 5.5 घंटा निकालें और HCS में दोबारा अपनी मुकाम बनाएं, ठीक है। तो मॉर्निंग बैच भी हमारा 8 to 10 और इवनिंग बैच हमारा 7 to 9:30। तो ध्यान रहे, ये दोनों बैचेस चल रहे हैं, और जल्दी से जल्दी, आपके पास अब वक्त है नहीं, मैक्सिमम यू आर हैविंग 3 to 4 months इन योर हैंड। कुछ लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी कोचिंग ले रहे हैं, कुछ लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो दे विल बी हैविंग एन अपर हैंड, क्योंकि वो पहले से हमारे साथ कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ हम आपको बार बार बोल रहे थे कि देखिए कभी भी आ सकता है, आप तैयारी स्टार्ट करें, आप नोटिफिकेशन के इंतजार कर रहे हैं, और ये लीजिए नोटिफिकेशन आ गया, अब आप क्या करोगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, पूरी HCS फोकस पे ही हमारा बैच है, HCS एग्जामिनेशन पे ही फोकस करके ये बैच को फ्रेम किया गया है, या HCS PCS एग्जामिनेशन इनको फोकस करके बैच किया गया है। और आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, एंड स्टार्ट टू स्ट्रीमलाइन बिकॉज मेंटरशिप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब तक आप किसी मेंटर के अंदर नहीं आते, तब तक आप अपनी परफॉर्मेंस को स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सेल इन योर पोटेंशियल्स, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट योर ग्रे एरियाज कहां पे हैं। तो जल्दी से जल्दी, ठीक है, जिनको क्लासेस की जरूरत है जल्दी से जल्दी एनरोल करें। हमारे पास मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच दोनों है, 8 to 10, 7 to 9:30। जो ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी है, किसी को कुछ दिक्कत आ रही है, टेस्ट सीरीज हमारे पास है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे मोटिवेटेड, अभिमन्यु के साथ जुड़े रहिए, एंड ट्रस्ट मी, As always, as we have all this year also maintained our legacy, we will produce result. Most of the result will be produced by Abhimanyu IAS. This is for sure. ठीक है? और कुछ phone numbers मैं आपको दे रहा हूँ for any query regarding our batches, for morning and evening batches. तो ये phone number है, इसे ध्यान से आप रखें, 9517761151. ये एक number है। दूसरा जो number है 7833 7 3651, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं आपको प्रॉपरली, ठीक है। तो फोन नंबर्स बैच के रिगार्डिंग, मॉर्निंग बैचेस एट टू 10 AM, इवनिंग बैच स्पेशली डिजाइन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, लेट इवनिंग बैच 7 to 9:30 PM। ये दो हमारे बैच, इसके बारे में जो डिटेल्स चाहिए 9517761517833 7 7 3651, ये दो नंबर है, इन पे कॉन्टैक्ट करें, और जल्दी से जल्दी बी अ पार्ट ऑफ अभिमन्यु सक्सेस लेगेसी, ठीक है। आप उनके पार्ट पर ये जल्दी से जल्दी बैचेस दोनों मॉर्निंग और इवनिंग है, ज्वाइन करिए, एंड किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन, इट्स टाइम टू पुल अप योर सॉक्स एंड हिट द बॉल, सेट द बॉल रोलिंग, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू एवरीवन।